आज मैं तुम्हें प्रेगनेंसी में होने वाली एक गंभीर समस्या के बारे में बताने वाली हूँ। प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स होना भी एक आम समस्या है। फाइबर वाला खाना कम खाने से ऐसी परेशानी होती है, इसीलिए तुम अपनी डाइट में खूब फाइबर युक्त खाना शामिल करना। पाइल्स इन प्रेगनेंसी मैं कहूँगी कॉमन प्रॉब्लम है। अगेन इसमें बिकॉज ऑफ द ग्रेविड यूट्रस थोड़ा सा प्रेशर रहता है और वही वीनस रिटर्न की बात होती है, और खासकर देखा गया जिन लोगों को काफ़ी कॉन्स्टिपेशन रहती है उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है। पेशेंट को रेक्टल पेन होता है, पेशेंट को एनल पेन होता है, स्टूल पास करने के बाद उनको काफ़ी तकलीफ होती है। नाउ इस केस के अंदर हमें एक चीज़ देखनी है, प्रिंसिपल सिंपल है, कॉन्स्टिपेशन हर हालत में आप अवॉइड करें। इसके लिए आपको डाइट चेंज करनी पड़ेगी, आप उसमें फाइबर का क्वांटिटी ज़्यादा होना पड़ेगा, थोड़ी सी ज़्यादा सैलेड लेने की, फ्रूट्स की मात्रा भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। इसके अलावा आपको इसबगोल की हस्क लेनी पड़ेगी गर्म पानी में, या आपको एक मैंने लैक्टुलोज करके बड़ा सेफ कॉन्स्टिपेशन रिलीवर है उसको हम लोग देते हैं, जो कि 30 बिल पर डे से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, और इस पर देखा गया है कि ऑलमोस्ट एवरीबडी इज़ टेकन केयर ऑफ। लोकली अगर पाइल्स आपको हैं तो आपको वहाँ पर 1% ज़ाइलोकिन जेली के बारे में हम कहते हैं कि वो लगाएं, उससे भी उनको काफ़ी रिलीफ महसूस होता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट की प्रेगनेंसी के दौरान मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इन सब चीज़ों से वो सेटल हो जाता है। अगर पेशेंट्स को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम पाइल्स के द्वारा है तो उस केस के अंदर गायनोकोलॉजिस्ट आपको एक स्पेसिफिक 5-6 दिन की दवाई देती है, और उससे वो जो पाइल्स हैं वो बिल्कुल कंट्रोल हो जाती हैं। देखा गया है कि प्रेगनेंसी के बाद अगर माइल्ड डिग्री की पाइल्स आई तो बिल्कुल सेटल हो जाती है, और अगर ऑलरेडी आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा ये रेजिडुअल प्रॉब्लम भी हो सकती है। उस टाइम डिपेंडिंग अपॉन आप कितना परेशान है, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी कराया जा सकता है, पर प्रेगनेंसी के दौरान कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं रहती। ऐसे में डॉक्टर ही बता सकती है कि कौन सा उपचार सबसे बेहतर होगा। अधिकांश मामलों में बच्चे के जन्म के बाद ये समस्या स्वयं ही खत्म हो जाती है।